हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो लीजिए दोस्तों, आज एक बार फिर से रेसिपी लेकर आ गई हूँ, कांदा का सब्जी, जो बहुत ही टेस्टी बनाया जाता है। तो आप इस तरह बनाएंगे तो बहुत टेस्टी सब्जी बनेगा। तो चलिए हम सब्जी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले कांदा को हम छील लेते हैं, भिगोएंगे। कांदा को अच्छी तरह छील लेंगे इसी तरह और काट लेंगे। आप चाहे तो चाकू की सहायता से काट सकते हैं या तो तवे की सहायता से काट सकते हैं। तो हमें इसको काटना शुरू करते हैं। ये देखिए दोस्तों, कांदा जो है छिलके धो के अच्छी तरह काट लिए मैंने। और यहाँ पर मैंने सरसों दाना लिए हैं, लहसुन के कलियाँ लिए हैं। सरसों दाना हमने सब्जी अकॉर्डिंग यूज़ के अकॉर्डिंग लिए हैं। तो इसको हम बारीक पेस्ट बना लेंगे। एक टमाटर हमने लिए हैं, टमाटर आप ज़्यादा भी ले सकते हैं चाहे तो। यहाँ पर मैंने पीस लिए हैं, पेस्ट बना लिए हैं सरसों दाना और लहसुन का। गैस ऑन करते हैं हम। कुकर हमने चढ़ा दिए हैं, कुकर में ही बनाएंगे क्योंकि बहुत हार्ड होता है कांदा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसमें हम सरसों ऑयल डाल देते हैं और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। अब इसमें कांदा भून लेंगे, कटे हुए कांदा भून लेंगे अच्छी तरह। कांदा जो है अच्छी तरह भून चुका है हमारा, तो इसको हम किसी प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी कुकर में हम सरसों ऑयल डालेंगे, जो आप ये ऑयल यूज करते हैं आप डाल सकते हैं। सरसों ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें लहसुन और सरसों दाना का पेस्ट हम डाल देते हैं और इसको हम अच्छी तरह भून लेंगे। और इसमें मेथी दाना हम पहले रखे हैं जो स्किप हो चुका है, तो आप मेथी दाना भी स्टार्टिंग में तड़के में डाल सकते हैं। तो मिक्सर जार में हल्का सा पानी रख कर हमने भून लेंगे अच्छी तरह अब मसालों को। मसालों को हम अच्छी तरह भूनेंगे दोस्तों, इससे जो है मसाला अच्छी तरह से पकेंगे और सब्जी में टेस्ट आएगा। अब इसमें हम टमाटर डाल देंगे काट कर। टमाटर मैंने डाल दिए। इसको अच्छी तरह भूनेंगे।
मसाला अच्छी तरह से भून चुका है, तो इसमें हम भुने हुए कांदा डाल देंगे। इसको अच्छी तरह 1 मिनट तक हम मसालों के साथ भी भून लेंगे। अगर आप दोस्तों नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा, क्योंकि इससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबसे पहले देख सकते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब यूज के अकॉर्डिंग हम इसमें पानी डाल दिए हैं। इसमें हम 1.5 गिलास तक हम पानी डाल देंगे। अपने यूज के अकॉर्डिंग हम पानी डाल सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो। तो इसमें 1/2 गिलास और पानी डाल देंगे और 3-4 सीटी तक हम पकने देंगे ढक्कन लगा कर। तो अब हम कुकर का ढक्कन लगा देंगे और सीटी आने तक हम वेट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सीटी आ चुका है, 3-4 सीटी कम से कम आ चुका है। तो ठंडा होने तक हम वेट करेंगे।